फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। सहारनपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब थाना कोतवाली क्षेत्र गांव घुन्ना में कुछ असामाजिक तत्वों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं संविधान निर्माता की मूर्ति क्षतिग्रस्त किए जाने की खबर से आसपास के गाँव से भी दलित समाज के लोग मौके पर जुटने लगे। भारी तादाद में मौके पर मौजूद समाज के आक्रोशित लोगों ने सहारनपुर बेहट मार्ग पर जाम लगा दिया। हालात गंभीर इसलिए भी हो गए क्योंकि इसी मार्ग से होकर माता शाकुंभरी के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु शाकुंभरी मेले के लिए पैदल यात्रा करते हुए जाते हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन ने रैपिड एक्शन फोर्स के साथ पीएसी सहित भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात की। वहीं मौके पर पहुंचे भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने भी प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। क्या मामला है, क्या हुआ? देखिए मामला जो है, कल संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की रात को जो है प्रतिमा को खंडित किया गया और जो है हमारे लोग ने अगर बात रखनी चाहिए तो उनकी बात को सुना नहीं जा रहा है। बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया गया, इसके विरोध में हम लोगों ने जब शासन प्रशासन को सूचना दी और कहा जब तक उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती जिन लोगों के कहने पर कार्य किया गया है, जो लोग चाहते हैं सहारनपुर जिले का माहौल एक बार फिर से खराब हो, उन लोगों की गिरफ्तारी हो जल्द से जल्द और ये प्रतिमा सम्मानजनक वहीं पर लगाई जाए, क्योंकि आज इस देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। इस देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि पहले हमारा गुरुवर तोड़ा गया, इस नालायक सरकार द्वारा हमारा गुरुवर तोड़ा गया, अब संविधान निर्माता बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ा गया गांव गुन्ना में और सहारनपुर का माहौल एक बार फिर से इन नालायक सरकारें और मनवादी व्यवस्था के लोग जिन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित किया। हमारी शासन प्रशासन से मांग है जब तक वो लोग गिरफ्तार नहीं हो जाते हम लोग ऐसे ही सड़कों पर रहेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे और उन लोगों की गिरफ्तारी हो और ये प्रतिमा सम्मानजनक वहीं पर लगे, सबसे पहले उन लोगों की गिरफ्तारी की जानी चाहिए जिन लोगों ने इस प्रतिमा को खंडित करने का काम किया। वहीं मौके पर पहुंचे बसपा नेताओं का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने बड़ा बवाल कराने के मकसद से घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। सहारनपुर SSP दिनेश कुमार पी का कहना है कि कुछ शरारती तत्वों ने बीती रात घटना को अंजाम दिया जिसकी वजह से आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम लगाया। कुछ असामाजिक तत्वों ने मौके पर पहुंचकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जिन्हें बल प्रयोग कर मौके से हटा दिया गया, जबकि लोगों को समझा बुझा कर जाम खुलवाया गया और जाम में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में गुमना गांव में अम्बेडकर मूर्ति को रात में किसी एंटी सोशल एलिमेंट्स के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, उसी को लेके आक्रोशित लोगों ने जाम लगाया है और प्रशासन और पुलिस के द्वारा समझाने पे काफ़ी देर बाद जाम खुलवाया गया है। इस बीच में लोगों को समझाने के काफ़ी प्रयास किया है और लोग हट भी गए हैं वहाँ से और जो भी पब्लिक जाम में फंसे थे उनको डिस्पोज कर दिया गया है। अंबेडकर मूर्ति स्थापित कर लिया गया है जहाँ पे खंडित हुआ है। बाकी कुछ शरारती तत्वों के द्वारा शांति बिगाड़ने की कोशिश किया जिसमें आवश्यक बल प्रयोग करके पुलिस फोर्सेस ने हटा दिया है। अभी किसी भी माहौल कहीं कभी गड़बड़ नहीं है, सब शांत है। लोगों को अफवाह पर विश्वास नहीं करना है, ध्यान नहीं देना है, जो भी अफवाह फैला रहा है उसके संबंध में पुलिस को जानकारी है। माहौल बिल्कुल शांति है, वहाँ पर अम्बेडकर मूर्ति स्थापित कर लिया गया है, गाँव वालों की सपोर्ट भी मिला है। फिलहाल मामला शांत है और खंडित प्रतिमा की जगह नई बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करा दी गई है। SSP के अनुसार हालात अंडर कंट्रोल हैं और दोषियों को ट्रेस किया जा रहा है, दोषियों की जल्द ही गिरफ्तारी होगी। फर्स्ट बाइट TV ब्यूरो रिपोर्ट।